जनता को पीस के, जनता का खून चूस के अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं और उनका एमएलए खरीदे जा रहे हैं। सुबह से शाम तक सवेरे उठते आप ये सोचते हो, अब मैं इसको महाराष्ट्र की सरकार गिराऊं, अब मैं गोवा की सरकार गिराऊं, अब मैं मध्य प्रदेश की सरकार गिराऊं, अब मैं दिल्ली की सरकार गिराऊं। काम कब करोगे? देश की तरक्की कब करोगे? हमारे एमएलए, हमारे मंत्री सब एकजुट हैं, कोई नहीं बिखरा, कोई नहीं टूट रहा, क्योंकि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे कहा जा रहा है कि शायद गुजरात चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक भी जारी रहेगा हम मजबूत हैं, डटे हुए हैं। पूरे देश के लिए, 130 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है। सबका सीना चौड़ा हो जाता है जब देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इतना शानदार आर्टिकल छपा, इस फलाने अखबार में इतना शानदार आर्टिकल छपा। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो, जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, वो सारी ताकतें अब इसे रोकना चाहती हैं। अभी तक छोटे मोटे तरीके से, जैसे मुझे सिंगापुर बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं यार दिल्ली सरकार खत्म करो। अब ऐसी सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं हमारे खिलाफ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। दिल्ली की आज जो सरकार है, इतिहास की सबसे लोकप्रिय सरकार है, जिस वास्ट मेजोरिटी से हम आए हैं, उस सरकार को गिराने के लिए अब सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई और वो दिल्ली की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही हैं। लेकिन हमारे एमएलए, हमारे मंत्री सब एकजुट हैं, कोई नहीं बिखरा, कोई नहीं टूट रहा, क्योंकि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को पैसे की हवस नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है, एक एक हीरा है, कोई नहीं टूटेगा, सरकार काम करती रहेगी, अच्छा काम करती रहेगी। ये झूठे केस एक के बाद एक झूठे केस करेंगे, चिंता मत करो। मुझे कहा जा रहा है कि शायद गुजरात चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक भी जारी रहेगा हम मजबूत हैं, डटे हुए हैं। सारी जांच करवाएं, सब जांच करवाएं। मेरे ख्याल से पहले जांच तो करवा रखी है, इसमें दोबारा जांच करा लें। एक जांच इन्होंने, आपको याद है जब हमारी पार्टी नई नई बनी थी, वो आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था रात के अंधेरे में, चांदनी रात में, कुछ काली रात में, कह रहे थे कोई हमने कोई पैसे चोरी कर लिए थे, हम आम आदमी पार्टी को डोनेशन आया था। तो यार 2013 की बात है, वो 2013, आज 9 साल हो गए, क्या हुआ उसका? अभी जेल नहीं भेजा मेरे को, क्या हुआ उस जांच का? कह रहे थे रात के अंधेरे में केजरीवाल ने पता नहीं किससे पैसे ले लिए, उस जांच का क्या हुआ? 2016 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देने में पैसे खाए, इनके घर सीबीआई की रेड पड़ी उस मामले में, 7 घंटे सीबीआई ने उनसे जांच क्वेश्चनिंग करी, उस मामले का क्या हुआ? फिर इनके ऊपर एक और मामला करा कि वो कोई स्कूलों के ऊपर घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने, उसकी भी जांच कर ली। और जांच कर लें, सारी जांच कर लें, जितनी तुम्हारी जांच एजेंसी है। ये शोभा नहीं देता। सुबह से शाम तक सवेरे उठते आप ये सोचते हो, अब मैं इसको महाराष्ट्र की सरकार गिराऊं, अब मैं गोवा की सरकार गिराऊं, अब मैं मध्य प्रदेश की सरकार गिराऊं, अब मैं दिल्ली की सरकार गिराऊं। काम कब करोगे? देश की तरक्की कब करोगे? मतलब जिस तरह से ये एक के बाद एक सरकारों को गिराया जा रहा है, वो एक तरह से कहने का तरीका था, जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है, एक के बाद जनता सरकार चुनती है, किसी भी पार्टी की हो, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता सरकार चुनती है। अगर आप जनता की चुनी हुई सरकार को गिराते हैं, तो आप एक तरह से जनता के ऊपर हमला कर रहे हैं, जनता ये पसंद नहीं करती। और दूसरी चीज, ये पैसा कहां से? अभी तक हमने कैलकुलेट किया, इन लोगों ने शायद 277 एमएलए अभी तक छोड़ के इनकी पार्टी में गए हैं, 277 एमएलए। अब अगर 20-20 करोड़ रुपए भी लगाओ, वैसे तो हमें पता सुना था कि वहां 50 करोड़ दिए, वहां मान लो 20 भी लगाओ, तो 5,500 करोड़ रुपए से एमएलए खरीदे इन लोगों ने, 5,500 करोड़ रुपए। कहां से आई ये पैसा? ये आपकी जेब से गया है, ये आपकी जेब से गया है। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? ये सारा इधर ही जा रहा है। ये डीजल महंगा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने में जा रहा है। ये जो अभी जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी, तो इन्होंने जीएसटी
छाछ पे, दही पे, दूध पे, गेहूं पे, चावल पे जीएसटी लगा दी। महाराष्ट्र की सरकार गिराने को पैसा चाहिए था। जनता को पीस के, जनता का खून चूस के अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं और उनका एमएलए खरीदे जा रहे हैं।